नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ जयानमन और आपको सुना रहा हूँ रीता मिश्रा तिवारी की लिखी कहानी मोर पंख। गोकुल में एक मोर रहता था। वो बहुत ही चतुर और चालाक था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उसने एक युक्ति सोची और श्री कृष्ण के द्वार जा पहुंचा। जब भी कृष्ण अंदर बाहर आते जाते, उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता, मेरा न कोई सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। इस प्रकार वह प्रतिदिन यही गुनगुनाता रहता। इस तरह कई दिन गुजर गए। दिन महीना और साल में परिवर्तित हो गया, परंतु कृष्ण ने उसकी एक न सुनी। एक दिन मोर दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो अचंभित हुई। वह हैरान इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह अचंभित इस बात से थी कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा, हे मोर, तू रो क्यों रहा है? तब मोर ने जवाब दिया कि मैं पिछले एक वर्ष से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु आज तक इसने मुझे पानी भी न पिलाया। यह सुन मैना ने कहा, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य करुणा बरसाएंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर बरसाने आकर भी वही गाना दोहरा रहा था, मेरा न कोई सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने सुना तो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा, जय हो राधा रानी, आज तक सिर्फ सुना था कि तुम करुणामयी हो, आज देख भी लिया। राधा बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले एक वर्ष से द्वार पर श्री कृष्ण पर धुन गाता रहा, पर कृष्ण ने मेरे सुनना तो दूर कभी पानी तक न पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, परंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधा राधा रटना। मोर ने राधा की बात मान ली और गोकुल वापस आकर फिर से श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जब श्री कृष्ण ने सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुन मोर ने कहा, वाह रे छलिए, जब एक वर्ष से तेरा नाम ही रट रहा तो कभी पानी भी न पूछा, और आज जब जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आया। श्री कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले एक वर्ष से आपके द्वार यही गा रहा हूँ,
मेरा न कोई सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया माँ बाप संवरिया। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने सारा वृत्तांत श्री कृष्ण को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तेरा ये पंख मेरे सिर पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरी कृपा पाएगा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जया नमन की आवाज़ में रीता मिश्रा तिवारी की कहानी मोरपंख। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।